अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका टाइटल है नंबर्स 200 पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंसोलिडेशन एंड एक्सटेंशन वर्क ऑन होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर टू चीज़ें हैं, एक होल नंबर्स और एक फ्रैक्शंस। इट मीन्स कि हम पढ़ेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं और साथ में फ्रैक्शंस क्या होती हैं, उनकी हम कंसोलिडेशन भी पढ़ेंगे और उनकी एक्सटेंशन भी पढ़ेंगे कि नंबर्स और उनके ऑपरेशंस किस तरह से सरंजाम दिए जाते हैं, हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, स्प्लिट ईच नंबर इनटू टेंस एंड वंस। सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नंबर दिया होगा, हमने उसको स्प्लिट करना है कि उसमें कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं, हमने जस्ट ये बताना है उसमें। तो फर्स्ट नंबर इज 84। अगर हम नंबर 84 को लिखते हैं तो फर्स्ट नंबर जो 84 है उसमें हम अगर इसको वर्ड्स में पढ़ें, 84 मीन्स कि 88 टेंस हैं एंड 4 वंस हैं। टेंस मीन्स 10 का टेबल, टेंस 10 एट्स आर 80 होता है और 4 वंस आर 4। तो इट मीन्स कि 8 टेंस हैं और एंड 4 वंस हैं। नेक्स्ट नंबर इसी तरह से 37 है, तो 30 एंड 7। नेक्स्ट नंबर अगर हम डिस्कस करें तो वो है 65, मीन्स 60 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम आते हैं तो उसमें हमसे कहा गया कि शेयर 20 स्ट्रॉबेरीज बिटवीन 5 बाउल्स। नीचे आप देख सकते हैं कि बाउल्स बने हुए हैं, इन 5 बाउल्स में हमने डिवाइड करनी है 20 स्ट्रॉबेरीज, मीन्स कि 20 को हमने 5 के ऊपर डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 5 पर डिवाइड करें तो 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 का टेबल हमने रीड करना है। सो 5 वंस आर 5, 5 टूज आर 10, 5 टूज आर हमारे पास 10 होता है, 5 थ्रीज आर 15 एंड 5 फोर्स आर 20। इट मीन्स कि 5 का टेबल अगर हम 4 तक रीड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 20। तो इट मीन्स कि 5 बाउल्स हैं और उसमें हमने अगर 4 स्ट्रॉबेरीज रखी तो फिर इक्वली वो डिवाइड हो सकती हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम पेज की तरफ मूव करते हैं तो इन दिस यूनिट यू विल यूज़ प्लेस वैल्यू इन न्यू वेज। तो हम प्लेस वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे कि हमने प्लेस वैल्यूज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है। इट मीन्स यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमने नंबर्स को स्प्लिट करना है कि हम नंबर्स को डिफरेंटली स्प्लिट किस तरह से करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, हमने 2-डिजिट नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है, उसके बाद 2-डिजिट नंबर्स को नियरेस्ट टेंस में राउंड करना है और उसके बाद रीग्रुप करना है 2-डिजिट नंबर्स को डिफरेंट वेज में। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर 7.1 का देखते हैं तो उसमें हमें कह रहे हैं कि राइट इन वर्ड्स ईच ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटेड, मतलब कि हर एक नंबर जो रिप्रेजेंट किया गया है उसको आपने वर्ड्स में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे नंबर तो कोई नहीं लिखा हुआ हमारे पास, तो हमने सिंपली देखना है कि ये जो हमारे पास पिलर्स या फिर बार्स बने हुए हैं, इन बार्स या पिलर्स को हमने किस तरह से नंबर्स में कन्वर्ट करना है और फिर उन नंबर्स को किस तरह से हमने वर्ड्स में लिखना है। सो फर्स्ट अगर हम पिलर को देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पिलर्स हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिलर्स जो है वो 8 हैं और हर एक पिलर के अंदर अगर हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स को काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इट मीन्स कि हर एक जो हमारे पास पिलर है उसके अंदर ब्लॉक्स की तादाद जो है वो 10 है और टोटल नंबर ऑफ पिलर्स जो हैं वो 8 हैं। तो इट मीन्स कि 10 का टेबल हम रीड करेंगे 8 तक, तो 10 8s are 80 होता है। ओके, तो 10 8s are 80 हम लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो 4 ब्लॉक्स हमारे पास अलग भी दिए हुए हैं। इट मीन्स कि इनको भी हमने इसमें प्लस करना है, 80 एंड 4 कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास नंबर आ गया 84। तो अब हमने इस नंबर जो 84 है इसको हमने लिखना है वर्ड्स में। तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 80 और उसके बाद हम लिखेंगे 4। तो टोटल जो हमारे पास बन जाएंगे वर्ड्स में नंबर वो बन जाएगा 84। नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ अगर मूव करें तो उसमें हमारे पास
8 की बजाय 5 पिलर्स हैं और 4 की बजाय 7 ब्लॉक्स अलग अलग दिए गए हैं। तो इट मींस कि 5 पिलर्स हैं तो 10 फाइव्स आर 50 एंड 7 ब्लॉक्स अलग अलग हैं तो मींस 7 हम लिखेंगे तो ये टोटल बन जाएगा 57। इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे 57। पार्ट सी में अब देखिए यहाँ पे दोबारा से उन्होंने ट्रिक अपनी चेंज कर दी है और कहा गया है कि अब यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं है, अब यहाँ पे सिंपल उन्होंने नंबर लिख दिया है कि 93 है तो आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको सिंपली ये तो और ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए कि 93 को हम सिंपली वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पहले लिखेंगे 90 और उसके बाद लिखेंगे 3 तो ये हमारा बन जाएगा 93। पार्ट डी भी बिल्कुल आपने इसी तरह से करना है, 31 वाला तो 30 और 1 लिखेंगे तो ये टोटल 31 बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 7.1 है, रीड द नंबर वर्ड्स एंड राइट द नंबर्स। अब पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमने नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट किया था, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें वो कह रहे हैं कि आपने वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। 40 and 2 लिखा हुआ है, 40 and 2 तो इट मीन्स कि ये टोटल हमारे पास क्या बनेगा, 42। हम इसके लिए लिख देंगे 42। नेक्स्ट है 76, 25 and 68। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें तो यूज़ दिस नंबर्स नंबर वर्ड्स टू राइट सम 2 डिजिट नंबर्स इन वर्ड्स, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू राइट। अब वो कहते हैं कि यूज़ दिस नंबर वर्ड्स टू राइट सम 2 डिजिट नंबर्स इन वर्ड्स, मतलब ये कि हमने 2 डिजिट नंबर्स लिखने हैं वर्ड्स में तो हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू राइट। तो हम पहले नंबर पे लिख सकते हैं 28, 79, 78, 29, देन 48 एंड देन 49। तो टोटल जो है हम 6 लिख सकते हैं नंबर्स, इट मीन्स कि 28 लिखेंगे, 79 लिखेंगे, 28 लिखेंगे, 29 लिखेंगे, 78 लिखेंगे एंड 49 लिखेंगे। तो ये वाले हमारे पास आ जाएंगे नंबर्स इन वर्ड्स। नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम मूव करते हैं जो कि पेज नंबर 122 है हमारे पास, इसकी तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे वर्कड एग्जांपल है, राउंड करना हमने 74 को टू नियरेस्ट टेंस। अब हमें टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना पड़ेगा कि नियरेस्ट टेंस क्या होते हैं, नियरेस्ट हंड्रेड्स क्या होते हैं। तो हमारे पास टू डिजिट नंबर्स क्योंकि हम कर रहे हैं तो टू डिजिट नंबर में 74 हमें कहा गया है कि उसको हमने कन्वर्ट करना है नियरेस्ट टेंस में। अगर हम 74 के बाद काउंटिंग लिखें तो हमारे पास आता है 75, 76, 77, 78, 79 एंड देन आता है 80। और इससे अगर हम रिवर्स काउंटिंग करें मींस कि 73 लिखें फिर 72, 71 और अल्टीमेटली 7, तो इट मींस कि अब हमने देखना है कि 74 किससे ज़्यादा नज़दीक है, किससे इसका डिस्टेंस कम है, 80 से कम है या कि इसका डिस्टेंस जो है वो 70 से कम है। तो हमने इसको देखना है कि 70 से ज़्यादा क्लोज है 74 या फिर 80 से ज़्यादा क्लोज है। तो हम क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि जो 74 है वो 70 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए जो डिजिट जिस टेंस वाले डिजिट के ज़्यादा क्लोज होगा मतलब 70 या 80 में से जिसके ज़्यादा क्लोज है तो वो उसका नियरेस्ट टेंस होगा। तो इट मींस यहाँ पे 74 अगर हमने लिखा है तो 74 70 के ज़्यादा क्लोज है, तो इस वजह से हम इसका आंसर जो है वो 70 लिखेंगे कि इट मींस कि नियरेस्ट टेंस जो है वो 70 है, 80 नहीं है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं तो राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, यूज़ अ नंबर लाइन टू हेल्प यू। उसके बाद वो हमसे यही कह रहे हैं कि हमने इन सब नंबर्स को नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब इनका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए। याद रखें नियरेस्ट टेंस जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो इसमें आंसर हमने लिखना है, हमने कुछ भी नहीं 65 नहीं लिखना, 64 नहीं लिखना, 53 नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। हमारा आंसर होना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 या फिर 90, तो इनमें से ही एक आंसर होगा हमारा। अब देखें 64 है हमारे पास फर्स्ट वन, तो 64 को अगर हम कन्वर्ट करना स्टार्ट करें, 64 को हम लिखेंगे सेंटर में और एक तरफ इसके हम लिखेंगे 70
और एक तरफ हम इसके लिखेंगे 60, तो हम देखेंगे कि 64 जो है वो किसके ज़्यादा क्लोज है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 64 जो है वो 60 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसमें से हमारा आंसर आएगा 60। 72 का भी इसी तरह से आएगा, 81 का भी, 56 का। अब देखें 56 वाला आंसर है, तो 56 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो एक तरफ हम लिखेंगे इसका 60 और एक तरफ हम लिखेंगे इसका 50। तो इट मींस कि अब देखें 50 से 55 तक अगर हम जाएंगे तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, लेकिन ये तो सेंट्रल पॉइंट से आगे चला गया है, मतलब 60 के ज़्यादा नज़दीक हो गया, तो इस वजह से हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, 56 के बाद 60 होगा, इसका जो नियरेस्ट 10th डिजिट होगा वो 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, तो अ नंबर राउंडेड टू नियरेस्ट 10 इज 60, व्हाट कुड नंबर बी। अब देखें कि वो कह रहे हैं कि एक नंबर जो है उसको हमने नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट किया है और उसके बाद जो उसका आंसर आया है वो आया है 60, तो आप हमें बताएं कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो नियरेस्ट 60 में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं 54 से, तो 54 तो 50 के ज़्यादा क्लोज होता है, इसलिए ये तो 60 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है 55। अब देखें 55 मींस सेंटर में पहुंच गया, तो इट इज़ ऑलमोस्ट डन। उसके बाद आएगा 56, फिर आएगा 57, फिर आएगा 58, फिर आएगा 59, फिर आएगा 60, और उसके बाद आएगा 61, फिर 62, फिर 63, अल्टीमेटली 64। तो उसके बाद अगर हम 65 लिखते हैं तो ये नियरेस्ट टू 60 नहीं है, ये तो फिर 70 वाली लाइन में चला जाएगा, तो इसलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, और ना ही 54 वाला होगा और ना ही 50 वाला होगा। तो हमारा आंसर जो स्टार्ट होगा वो होगा 55 से लेकर 64 तक, कि इट मीन्स कि ये जो नियरेस्ट डिजिट्स हैं ये नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे वो कह रहे हैं कि फाइंड 4 डिफरेंट वेज टू रीग्रुप 31, ड्रा और राइट योर आंसर। अब यहाँ पे 3 पिलर्स बने हुए हैं और साथ में एक ब्लॉक है, तो इट मींस कि 1 पिलर हैज़ 10 ब्लॉक एंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन 3 पिलर्स विल बी 30 एंड 1 ब्लॉक इज सेपरेट, सो दीज विल बिकम 31 ब्लॉक्स। इट मीन्स कि 31 को अब वो हमें कह रहे हैं कि रीग्रुप करना आपने, मतलब इनकी स्प्लिटिंग करनी है, हमने इनको स्प्लिट करना है डिफरेंट वेज में। तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, तो 30 प्लस 1 अगर करेंगे तो वो भी 31 होगा, 20 प्लस 11 करेंगे तो वो भी 31 होगा, अगर हम उसके बाद 10 प्लस 21 करेंगे तो वो भी 31 होगा, अगर हम उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 21 प्लस 10 करेंगे तो वो भी 31 होगा। तो इट मीन्स कि हम इनको किसी भी तरह से स्प्लिट कर सकते हैं और इनके नंबर जो हैं वो डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कंपेयर द वेज यू रीग्रुप 31 विद अ पार्टनर, व्हाट डिड यू डू द सेम, व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली। मतलब आपने अपने पार्टनर के साथ इसको डिस्कस करना है कि आपके आंसर कहाँ पे मैच हो रहे हैं और कहाँ पे आपके आंसर जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये भी हम करेंगे उसके बाद क्लासेस में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है और वो है फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 7.2 के लिए हम फ्रैक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो फाइंड, अब हमने इसमें फ्रैक्शंस में क्या करना है कि हाफ फाइंड करना है इवन नंबर्स का, मतलब 20 तक जो इवन नंबर्स हैं उनका हाफ फाइंड करना है, उनका क्वार्टर भी फाइंड करना है, जैसे कि नंबर 4 है, 8 है, 12 है, 16 और 20 है, इनका हमने क्वार्टर भी फाइंड करना है। हाफ का मतलब होता है उसका आधा और क्वार्टर का मतलब होता है उसका फोर्थ पार्ट, मतलब एक टोटल है तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 0.25 या फिर 1/4, और उसके बाद फ्रैक्शंस को ऐड करना है हमने, तो ये भी हम करेंगे साथ में। 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, एक सर्कल बना हुआ है, हाफ एक साइड पर है और हाफ दूसरी साइड पर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए अगर हम देखते हैं तो 1/2 ऑफ 10, इट मींस कि 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो हाफ ऑफ 10, इट मींस कि हाफ ऑफ 10 का मतलब क्या है कि हमने इसका आंसर देना है कि 10 का हाफ कितना होता है, तो 10 का हाफ हमारे पास हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है कि 10 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें इक्वल पार्ट्स में तो वो बनता है 5, तो इट मींस कि हाफ ऑफ 10 इज 5।
14 डिवाइडेड बाय 2। याद रखें, जहाँ पे भी हम किसी चीज़ को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब होगा हम उसका हाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी हम हाफ कर रहे हैं। तो 14 का हाफ होता है 7, इसी तरह 8 का हाफ होता है 4, 4 का हाफ होता है 2, एंड 2 20 का हाफ जो होता है वो होता है 10। इसी तरह से 20, 1/2 ऑफ 20 जो है वो भी हाफ ही है। तो इट मीन्स कि वो उसका आंसर भी 10 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि कंप्लीट द हाफ टेबल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 लिखा हुआ है। तो हमने इनके हाफ लिखने हैं, हमने सिंपली इसकी काउंटिंग लिख देनी है। नीचे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख देंगे। 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, 10 का हाफ 5, 12 का हाफ 6, 14 का हाफ 7, 16 का हाफ 8, 18 का ऑफ 9 और 20 का ऑफ होगा हमारे पास 10। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 12 चिल्ड्रन मेड 2 इक्वल टीम्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर इन ईच टीम। अब देखें, क्वेश्चन के अंदर ही हमारे लिए क्लू मौजूद है, एक निशान मौजूद है, एक हमारे लिए हिंट दिया गया कि इक्वल टीम्स मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास 12 हैं और उन्होंने बनाई हैं इक्वल टीम्स। सो इट मीन्स कि इक्वल का मतलब होता है हर एक टीम में इक्वल इक्वल मेंबर्स, क्योंकि 2 टीम्स बनी हैं तो हम 12 का करेंगे हाफ। तो 12 का हाफ होता है 6। इट मीन्स कि हर एक टीम में 6 मेंबर्स मौजूद होंगे। आगे हमारे पास एक वर्कशीट है, हाफ ऑफ नंबर इज 4, व्हाट इज द नंबर। मतलब ये कि एक नंबर का हाफ जो है वो 4 है, तो हमने बताना है कि नंबर कौन सा है। तो कैसे बताएंगे? हाफ है नंबर, किसी भी नंबर का हाफ 4 है अगर, तो इट मीन्स कि हम उस नंबर को डबल कर देंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर जो है हमारे पास वो 8 आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 7.2 का, हाफ ऑफ अ नंबर इज 7, व्हाट इज द नंबर। तो इट मींस कि हमने पहले भी जैसे बात की क्वेश्चन नंबर 3 में, अब इसमें भी सेम वही क्वेश्चन होगा कि हाफ ऑफ अ नंबर इज 7, कि किसी भी नंबर का हाफ अगर 7 है तो वो नंबर क्या होगा। इट मींस कि 7 को अगर हम डबल करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। अगर हमने किसी का हाफ करना है तो उसको हम 7 पे डिवाइड करेंगे, अगर हमने उसका डबल फाइंड करना है तो 7 को 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका आंसर आ जाएगा। तो 7 2s are 14 होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर्स 1/4 of 12। मतलब कि 12 का फोर्थ पार्ट क्या होगा। इट मींस कि 12 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आएगा, 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे और उसका आंसर आएगा हमारे पास 3, बिकॉज 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। तो इट मीन्स कि 3 विल बी द 1/4 of 12। अगर हम 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1। एंड नेक्स्ट वो पूछते हैं कि 1/4 of 8, मतलब कि नंबर 8 का फोर्थ पार्ट क्या होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली 8 को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स कि 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, तो 2 विल बी द फोर्थ पार्ट ऑफ 8। नाउ वी हैव टू डिवाइड 8 बाय 4। तो 4 का टेबल हम रीड करेंगे कि 4 के टेबल में 8 कहां पर आता है, तो 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, तो आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो रियान एंड हिज 3 ब्रदर्स शेयर्ड अ बैग ऑफ 8 एप्पल्स इक्वली, हाउ मेनी एप्पल्स डिड दे ईच गेट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल डिड दे ईच गेट। अब रयान एंड हिज 3 ब्रदर्स, मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो बेनिफिशरी हैं वो हैं 4, 3 ब्रदर्स एंड 1 इज रयान हिमसेल्फ, सो टोटल विल बी 4 पर्सन्स। तो शेयर अ बैग ऑफ 8 एप्पल्स इक्वली, इक्वली मीन्स के सबको बराबर बराबर मिलेंगे। तो इट मीन्स के 8 को हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2। तो हर एक को, उसके 3 ब्रदर्स को भी और रयान को भी 2 एप्पल्स मिलेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल डिड द ईच गेट, बिकॉज दे आर 4
That's why we can say it easily that each of them will get 1/4 part of the apples. Question number 7 है, a quarter of a number is 3, what is the number? Quarter, मैंने पहले half का बताया था आपको कि half अगर हो तो it means कि उसका आधा है, उसको 2 पे divide करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो कह रहे हैं कि quarter है, तो quarter का मतलब होता है 4th part, मतलब 4 पे उसको divide किया गया है किसी भी number को, तो उसका answer आया 3. अगर हम उसको number को find करना है कि उसका quarter अगर 3 बन रहा है, तो हमने number find करना है, तो it means कि हम 3 का table 4 तक read करेंगे, क्योंकि quarter 4 है, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. तो it means कि जो original number था हमारे पास वो है 12, because 3 is the quarter of 12. Question number 8, complete the quarter table 4, 8, 12, 16 and 20. तो यहाँ पे भी हमने counting लिखनी है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 and 4 5s are 20. It means कि इन सभी digits को अगर हम 4 पे divide करते जाएंगे तो हमारे पास उसका answer भी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और इसमें हमने करेक्ट सेंटेंस जो है उसके ऊपर टिक लगानी है. हाफ ऑफ द चिल्ड्रन हैव लॉन्ग हेयर्स, 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन हैव शॉर्ट हेयर, 3/4 ऑफ द चिल्ड्रन हैव लॉन्ग हेयर. तो अब हमने यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वो पूछ रहा है कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन हैव लॉन्ग हेयर. हमने काउंट करने हैं कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन में के पास क्या है, लॉन्ग हेयर हैं. तो देखते हैं लॉन्ग हेयर किस किस के हैं, क्यों, बिकॉज 3 गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के हेयर जो है हमेशा लॉन्ग होते हैं, सो दैट्स व्हाई 1 बॉय इज हेयर. सो 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 हैव लॉन्ग हेयर, तो इट मींस कि हाफ तो ये नहीं है, हाफ से तो ज़्यादा है. 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन हैव शॉर्ट हेयर, अब एक ही बॉय है चूँकि, तो बेचारा अकेला है, 3 गर्ल्स हैं तो 1/4 बन जाएगा, तो ये 1/4 मतलब आंसर ठीक है, 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन हैव शॉर्ट हेयर. 3/4 ऑफ द चिल्ड्रन हैव लॉन्ग हेयर, बिकॉज देयर आर 3 गर्ल्स एंड ओनली 1 बॉय, दैट्स व्हाई वी कैन से इट दैट 3 आउट ऑफ 4 हैव लॉन्ग हेयर. तो इट मींस कि ये बनता है क्वार्टर, 3/4 ऑफ द चिल्ड्रन हैव लॉन्ग हेयर. सो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शंस, यूज द फ्रैक्शंस ऑफ स्क्वायर पिक्चर्स टू हेल्प यू. 1 एंड नेक्स्ट में एक जो फर्स्ट अगर हम डायग्राम देखते हैं तो पिक्चर देखें तो वो फुल है, सेकंड में वो हाफ ऑफ कर दिए है, और थर्ड पिक्चर में वही पिक्चर है लेकिन उसके 4 पार्ट्स कर दिए गए हैं. मतलब फर्स्ट में फुल, सेकंड में हाफ, और थर्ड में 1/4 पार्ट. अब वो हमसे कहते हैं कि 1/4 और 1/4 को अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो हम देखते हैं 1/4 एंड 1/4, तो ये तो बन गया हमारे पास हाफ, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वो कहते हैं 1/2 और 1/4 को अगर प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, लेकिन उसके बाद पहले उन्होंने एक ट्विस्ट दिया हुआ है, उन्होंने आंसर भी साथ में दे दिया कि आंसर है हमारे पास 1. तो आप बताएं कि 1/2 एक तरफ से हम ले रहे हैं और दूसरी डायग्राम से 1/4 ले रहे हैं, तो आप इस स्क्वायर को कंप्लीट करें, ये इसको कंप्लीट करने के लिए और क्या लिखना होगा, तो हम इसके साथ अगर 1/4 और मिला दें तो हमारे पास टोटल नंबर जो है वो 1 बन जाता है. अब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 है, तो वो कहते हैं कि आंसर 1 है, कंप्लीट बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे 3 1/4 लिखे हुए हैं लेकिन कंप्लीट बॉक्स में तो 4 1/4 है, तो हम एक और 1/4 जो इसमें ऐड करेंगे. 2/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2. अगर 2/2 को देखें तो 2 से 2 कैंसिल होता है और आंसर आता है हमारे पास 1. तो इट मीन्स के दो हाफ को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा. तो हम इसी की बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास अगर हमने आंसर 1 लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो हाफ को आपस में प्लस करना पड़ेगा. 4/4 का भी आंसर 4 1s are 4 होता है, तो 4 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा. इट मींस कि 4 1/4 को अगर हम प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, टोटल 1 आएगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर जो है वो 1 नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द लास्ट
टॉपिक एंड लास्ट पेज ऑफ आवर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, नंबर्स 200 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 11 को देखें. चूज अ नंबर, फाइंड 1/2 ऑफ योर नंबर, देन फाइंड 2/4 ऑफ योर नंबर, शो दैट 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट. अब हमने क्या करना है, एक नंबर चूज करना है. लेट्स सपोज हम नंबर चूज करते हैं 12. हम नंबर क्या चूज करते हैं, 12 चूज करते हैं, तो हमने उसका हाफ फाइंड करना है. तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6. उसके बाद वो फाइंड हमें कहते हैं कि फाइंड 2/4 ऑफ योर नंबर. 12 को हम 2/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1s are 4, 4 3s are 12 एंड 3 2s are 6. अगेन आंसर हमारे पास क्या आया है, 6 है. तो इट मीन्स कि हमारा जो फ्रैक्शंस आई हैं 1/2 से डिवाइड करने से और 2/4 से डिवाइड करने से, वो दोनों के आंसर क्या हैं, इक्वल हैं. तो इट मीन्स कि दीज आर इक्विवेलेंट. क्वेश्चन नंबर 12 हमने करना है, लेबल ईच ऑफ द मार्क्स ऑन द नंबर लाइन, यू कुड गिव मोर देन वन लेबल टू सम मार्क्स. अब वो कहते हैं कि आप इन मार्क्स को लेबल करें. तो मार्क्स को लेबल करने के लिए हमने देखना है पहला डिजिट कौन सा है और आखिरी डिजिट कौन सा है. फर्स्ट वाला और लास्ट वाला डिजिट देखना है, तो फर्स्ट वाला डिजिट है 0 और लास्ट वाला डिजिट है हमारे पास 1. तो टोटल इसके दरमियान डिजिट्स कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4. तो इट मीन्स कि हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट विल बी 1/4, सेकेंड विल बी 2/4 एंड थर्ड विल बी 3/4 एंड फोर्थ वन विल बी 4/4 एंड ऑफ कोर्स इट्स आंसर विल बी 1. अगर हम देखते हैं अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए कि 61 को हमने लिखना है, राउंड करना है हमने नियरेस्ट टेंस में, तो 61 है क्योंकि 60 और 1 है, तो वो नियरेस्ट किसके साथ है, नियर किसके है, 60 के या 70 के. तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है कि ये 60 से ज़्यादा नियर है. उसके बाद 48 50 के ज़्यादा करीब है, 79 80 के ज़्यादा करीब है, 22 20 के ज़्यादा करीब है, 45 जो है वो 50 के ज़्यादा करीब है, और 70 तो ऑफकोर्स 70 के करीब होगा, इसलिए आंसर जो हमारा 70 ही आएगा. उसके बाद हमने सारा रीग्रुप 58 इन डिफरेंट वेज, कंटिन्यू अवर पैटर्न ऑफ रीग्रुपिंग, 50+8, 40+18, 30+28, 20+38 एंड 10+48. तो हम इस तरह से इनको रीग्रुप भी कर सकते हैं. उसके बाद हमने मैच करना है कैलकुलेशन को उनकी करेक्ट वैल्यू के साथ. फर्स्ट वाला है हाफ ऑफ 8 इज 4 एंड फोर्थ ऑफ 6 विल बी 6 एंड हाफ ऑफ 4 इज 2 एंड हाफ ऑफ 16 इज 8. तो इस तरह से हम इनको रीग्रुप करके इनकी टोटल जो वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं और इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर एंड हो गया है. अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें कौन से पेज पर कौन से क्वेश्चन की समझ नहीं आई. अदरवाइज़ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं. पहले एक दफ़ा इसको लेक्चर को सुने, अच्छे से इसको समझें, और उसके बाद समझ नहीं आती तो नोट्स के देखें, नोट्स के ऊपर आपको सोल्यूशन दिए गए हैं. लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर अपने टीचर से कंसल्ट करें और उनसे आंसर पूछें और उनसे समझने की कोशिश करें. ओके, टुडे इज़ एनफ स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.